नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज अगेन न्यूमेरिकल फ्रॉम द विस्कोसिटी टर्म से। ये जो मीन्स न्यूमेरिकल है, दैट इज न्यूमेरिकल ऑन विस्कोसिटी, ये कनेक्टेड है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ, काफी यूनिवर्सिटीज में आपको ये एटलीस्ट 10 मार्क्स का जरूर मिलेगा। और ये जो न्यूमेरिकल है फिलहाल जो मैं ले रहा हूँ, दिस इज पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इंदर कुमार गुजराल, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और आपने देखा होगा ज्यादातर ये डॉक्टर आर के बंसल की बुक में नहीं दिया हुआ है, कई अलग अलग बुक्स में ही आपको इसका आंसर मिल सकता है। तो फिलहाल ये एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। तो चलिए आइए देखते हैं। पर शुरुआत करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बढ़िया से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जम्वाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तब इंजीनियरिंग कॉलेज एंड योगानंदा इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम जम्मू एंड पठानकोट पंजाब रीजन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल सेशन। तो आपको मालूम है मैंने हमेशा बोला है कि जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, देन वी हैव टू गो फॉर क्या करना है, हमें गिवन डेटा लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गिवन डेटा से हमें पता चलता है कि एक्चुअली क्वेश्चन का क्या मीनिंग है। दिस इज फॉर 10 मार्क्स, एटलीस्ट फॉर 10 मार्क्स। ओके, देखिए इसमें दो केस है इस क्वेश्चन में। अ थिन प्लेट ऑफ एरिया इज प्लेस्ड मिडवे, बोल रहे हैं कि एक पतली सी प्लेट है जिसका एरिया क्या है, ए है, और उसे रखा जाता है एकदम सेंटर पे, इज प्लेस्ड मिडवे, उसको रखा जाता है सेंटर पे, इन ए गैप ऑफ हाइट एच बिटवीन द टू हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। मतलब पहला हम एक ले लेते हैं कि दो प्लेटें हैं। एक काम करता हूं, ये केस वन, मुझे ऑलरेडी मालूम है कि केस वन है एंड दिस इज केस टू, कोई कंफ्यूजन, दो केसेस हैं यहां पे। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते, फिलहाल मैंने अभी तक क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है। तो देखिए, एक पतली सी प्लेट है जिसका एरिया ए है, उसको रखा जाता है एकदम सेंटर पे। कहां पे सेंटर पे रखा जाता है, किसके गैप पे, दोनों प्लेट के बीच का जो डिफरेंस है वो है हाइट एच, समझ रहे। तो ये हमारी ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो ये हो गई हमारी दो पैरेलल प्लेट्स है। ये भी बता देता हूं कि ये फिक्स है, हम मान लेते हैं कि फिक्स है, फिलहाल तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि फिक्स है, मगर ये फिक्स ही है। ओके, और इनके बीच का जो गैप है दैट इज योर कैपिटल एच, क्लियर हो गया। वो बोल रहा है कि एक पतली सी, देखो ये दो दो हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, ये दो हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है जिसके बीच में एक पतली सी प्लेट जिसका एरिया ए एकदम सेंटर में रखा हुआ, इस प्लेस मिडवे, किसके सेंटर में, हाइट एच के सेंटर में। तो ये जो पतली सी प्लेट है, मैं ये फिलहाल यहां बना देता हूं, ये बहुत पतली प्लेट है, ये मतलब इस बोर्ड पे तो काफी मोटी दिख रही है इसकी थिकनेस, मगर ये बहुत पतली प्लेट है जिसका एरिया क्या है, एरिया इज ए, एंड गैप, गैप कितना है दो प्लेट के बीच में, ओके ए, एंड गैप जो है दोनों हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में जो गैप है, दिस इज कैपिटल एच। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, द गैप इज फिल्ड विद ऑयल ऑफ विस्कोसिटी म्यू वन। ये जो गैप है ये पूरा दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के बीच में, जहां पर ये एक पतली सी प्लेट रखी है जिसका एरिया ए है और ये सेंटर पे रखी हुई है, क्लियर हो गया। अगर सेंटर पे रखी तो डेफिनेटली यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो होगा एच बाय टू, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा एच बाय टू, कोई कंफ्यूजन। हाँ, ये जो रखी हुई दोनों प्लेन सरफेस के बीच में जो खाली जगह बच जाती है उसको एक ऑयल से भरा हुआ है, उसकी विस्कोसिटी है म्यू वन, म्यू वन इधर भी है इधर भी, क्योंकि ऑयल तो हर जगह रहेगा। मैं डॉट डॉट करके आपको ऑयल बता देता हूं, देखिए ऑयल आ गया हमारा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मान लेते हैं कि ये फ्लूइड देखिए इस साइड ट्रेवल कर रहा है, क्लियर हो गया, किस साइड में, इस साइड में, यहां पर मैं ऐसा बताता हूं, दिस इज, मान लेते हैं कि फ्लो जो है इस साइड है, ये दो पैरेलल प्लेट्स स्टैटिक है, हिल नहीं रही है, अंदर फ्लूइड चल रहा है जिसकी विस्कोसिटी म्यू वन है, और एक पतली सी प्लेट रखी हुई सेंटर में, पूरा डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच में क्या स्मॉल एच है, तो ये होगा एच बाय टू, ये भी होगा एच बाय टू। ओके, यहां तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एंड द प्लेट इज पुल्ड, इस प्लेट को पुल किया जा रहा है, इस प्लेट को पुल किया जा रहा है किसके साथ,
एज से, यहां से एकदम टॉप एज से विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, और ये जो प्लेट है कौन सी वेलोसिटी से जा रही है, आपकी वी वेलोसिटी से जा रही है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया एक केस। दूसरा केस वो बोल रहा है द गैप इज नेक्स्ट, यही दो पैरेलल प्लेट है। अगर दूसरे केस में, अगर दूसरे केस में वही सेम डायग्राम है, ठीक है, ये दोनों स्टैटिक भी हैं अगेन, मतलब हिल नहीं रही है, दो हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस हैं, आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। द गैप इज नेक्स्ट फिल्ड विद, यही गैप अगर दूसरे केस में भर दिया जाता है हल्के ऑयल द्वारा, लाइटर ऑयल ऑफ विस्कोसिटी म्यू टू, मतलब अंदर वापिस एक नया ऑयल आ जाता है, ये भारी ऑयल है जिसकी विस्कोसिटी म्यू वन है, ये थोड़ा हल्का ऑयल है, क्लियर हो गया। ओके, तो देखिए हाँ, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, म्यू टू। तो एंड द प्लेट इज लोकेटेड अनसिमेट्रिकली इन द गैप, तो गैप अनसिमेट्रिकली मतलब बराबर नहीं है, अनसिमेट्रिकली मीन्स बराबर नहीं है, और ये जो प्लेट को रखा जाता है सेंटर में नहीं, जैसे इस केस में सेंटर में रख दिया, टोटल हाइट h है, तो सेंटर वाला डिस्टेंस कितना होगा, यहां से भी h by 2, यहां से भी h by 2, तो वो बोल रहा है कि जो प्लेट है अनसिमेट्रिकली रखी गई है किसके, गैप के अंदर। तो मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है थोड़ी हम ऊपर सरका देते हैं, इस बार थोड़ी मोटी प्लेट बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, और आपका जो फ्लो है मैं यहां से दर्शाता हूं पीछे से कि फ्लो इसी डायरेक्शन में है, क्लियर हो गया, दिस इज योर फ्लो, आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, और प्लेट अब सेंटर में नहीं है, क्लियर हो गया, प्लेट अभी सेंटर में नहीं है, वो अनसिमेट्रिकली है, मतलब आइदर वो इस साइड ज्यादा है, समझ रहे, हमने सेंटर में नहीं रखी है, थोड़ी डिस्टेंस सरका दिया है, मतलब इस वॉल के ज्यादा नजदीक है ये प्लेट और इस वॉल के काफी दूरी पर है, बट पैरेलल टू द वॉल्स, ये जो प्लेट है कैसी सरकाई गई है कि किसी तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके नजदीक आ गई है, मगर ये है पैरेलल ही है, देखिए ये पैरेलल है ना आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस से, हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसमें मैंने डैश डैश किया हुआ, ये है आपकी प्लेट जिसका एरिया ए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स इंडिकेट दैट फॉर द सेम वेलोसिटी, कहने का मतलब है कि ये भी सेम वेलोसिटी से जा रही है, ट्रेवल कर रही है, एक्सपेरिमेंट ऐसा बताते हैं कि सेम वेलोसिटी वी के लिए, मतलब जो वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रही है और इसका एरिया भी ए है, इस केस में भी एरिया ए है और सेम वेलोसिटी है, तो यानी ये भी वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, ये भी सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो एक्सपेरिमेंट ऐसा बताते हैं कि सेम वेलोसिटी अक्वायर करने के लिए जो फोर्स लग रही है, द फोर्स रिक्वायर्ड, यहां पे कॉमा डाल देता हूं, ओके, द फोर्स रिक्वायर्ड वॉज सेम, वो बोल रहे हैं कि सेम वेलोसिटी पे अगर दोनों प्लेट ट्रैवल करती है केस वन और केस टू पे, तो जो फोर्स लग रही है वो सेम है, मतलब अगर मैं इसका मतलब यहां पे लिख देता हूं कि जो फोर्स लग रही है केस वन में वो बराबर है केस टू के, कोई कंफ्यूजन है, ये तो वो खुद ही बोल रहा है। ओके, एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन म्यू टू इन टर्म्स ऑफ म्यू वन, तो हमें एक रिलेशन पैदा करना है, ढूंढना है किसके टर्म्स में, यू टू और यू वन के टर्म्स में, क्लियर, तो मतलब कोई तो रिलेशन आने वाला है U1 और U2 के टर्म्स में, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द नियर वॉल टू द प्लेट, और उसमें वो जो रिलेशन है जो हम पैदा करने वाले हैं या फिर ढूंढने वाले हैं जिसमें म्यू टू म्यू वन आपस में कनेक्टेड होंगे, उसमें एक डिस्टेंस भी चाहिए और वो डिस्टेंस कोई भी प्लेट से नजदीक का होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब हमारे रिलेशन में एच भी आना चाहिए, मतलब कुछ समथिंग रिलेशन आना चाहिए, तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो मैं ये क्वेश्चन मिटा देता हूं और हम देखते हैं कि हमें कैसे करना है, ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये आपको समझेगा तो आपको जो जिस क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन में जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होंगी वो आपको बहुत इजीली समझ आएगी कि कैसे करना है, क्योंकि इसमें फिलहाल वैल्यूज नहीं दी हुई इसलिए थोड़ा स्टूडेंट्स को थोड़ा हार्ड लगता है, तो ये आपके दो केस थे, क्लियर हो गए। तो पहले चलते केस वन की तरफ, केस वन, क्लियर हो गए। ओके, तब आप देखिए, आपको मालूम है कि हमें ढूंढनी है इन दोनों केस में फोर्स सेम है, वेलोसिटी सेम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों प्लेट का एरिया ए ही है, क्लियर, और जो गैप है कैपिटल एच है, यहां पर प्लेट सेंटर में रखी हुई है, यहां पर प्लेट, हाँ हम मान लेते हैं, एक मिनट, ये जो प्लेट है हम मान लेते हैं कि दिस इज, ये जो प्लेट है सेंटर में नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि अगर पूरा तो आपको मालूम है कि ये एच ही है, ठीक है, हम मान लेते हैं, अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि कहां पे रखी है, ये तो बोल रहे हैं इस केस में कि सेंटर में नहीं है, आइदर वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के नजदीक चली गई होगी, तो एक काम करते हैं हम एच को डिवाइड कर देते हैं, इतना हिस्सा बोलते हैं,
ये है हमारा h by 4, we can fill in h by 4, कहने का मतलब है कि h को हमने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा h by 4 है, तो बाकी बचा हुआ आप कैसे निकालेंगे, पूरा h है, ये हिस्सा हमने h by 4 खुद से ले लिया है, तो अगर h by 4 ये है, तो ये कितना हिस्सा आएगा, तो this will be पूरे में से, इस पूरे में से h by 4 माइनस कर दीजिए, ये आपके ऊपर है, ये जरूरी नहीं है कि मैं h by 4 ले रहा हूं, आप h by 2 भी ले सकते हैं, तो बाकी बचा हुआ h by 2 हो जाएगा, ये काम कीजिए आपके ऊपर है, that is not up to me, मैंने h by 4 लिया हुआ है, तो बाकी जो डिस्टेंस है फाइंड आउट करने के लिए मैं पूरे में से h by 4 माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, आपके ऊपर है कि आप क्या लेते हैं, उसी हिसाब से रिलेशन आएगा, क्लियर हो गया, फिलहाल मैं ये लेता हूं, तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1, तो ये आएगा आपका एलसीएम, दिस इज 4, 4 से 1 को डिवाइड किया 4, दिस इज 4h माइनस 4 से 4 को डिवाइड किया 1, ऊपर मल्टीप्लाई किया h, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3h बाय 4, तो ये जो ये है, दिस इज 3h बाय 4, ये डिस्टेंस हमारा आ गया है, कहने का मतलब है कि मैंने अज्यूम किया कि ऊपर वाला जो डिस्टेंस है प्लेन सरफेस से प्लेट तक का h बाय 4 है, तो नीचे वाला कैसे ढूंढूंगा, पूरे में से ऊपर वाला माइनस कर दीजिए, आपको नीचे वाला मिल जाएगा, अब आपके ऊपर है कि आप क्या लेते हैं, h by 4 लेते हैं, h by 3 लेते हैं, उसी हिसाब से ये नीचे वाली वैल्यूज आ जाएगी, तो आई थिंक अब आप ये को क्लियर हो गया होगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ओके चलिए देखिए, तो उन्होंने क्या बोला है, फोर्स दोनों केस में बराबर है, तो कहने का मतलब है कि हमें पहले हमारे को मालूम है कि रिलेशन हमारा क्या है, दिस इज केस वन कर रहे हैं, तो टाउ वन आपको मालूम होगा कि ये म्यू du by dy, कोई कंफ्यूजन, ओके अगर केस वन है तो वहां पर विस्कोसिटी सॉरी दी हुई है, ओके अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको मालूम है दैट टाउ कैन बी रिटन एज फोर्स अपॉन एरिया, तो मैं टाउ वन को वैसे लिख दूंगा, दिस इज केस वन की बात हो रही है, तो ये एफ वन अपॉन एरिया, ठीक है, अब एरिया यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, तो इसलिए ए वन नहीं लिख रहा हूं, इक्वल टू म्यू वन डी यू बाई डी वाई, क्लियर है, ओके नेक्स्ट देखिए एफ वन, ये एरिया को मैं यहां ले लेता हूं, ये म्यू वन हो जाता है, इक्वल टू म्यू वन इंटू ए, ओके ओके एंड दिस इज, देखिए अब जैसा कि आप जानते हैं दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी एंड दिस इज द चेंज इन डिस्टेंस, y direction change in distance, this is the change in velocity, देखिए ये जो मैं पहली चीज लिख रहा हूं, ठीक है, ये मैं सिर्फ इस प्लेट के लिए लिख रहा हूं, हम केस वन में, केस टू को थोड़ी देर भूल जाइए, केस वन में, ठीक है, आपको मालूम है कि क्या मालूम है कि यहां देखिए ये है आपका पॉइंट वन, du क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो du is u2 minus u1, कोई कंफ्यूजन, ओके अब यहां पर पॉइंट वन है बॉटम पे और इधर होता है पॉइंट टू, फिलहाल हम इतना पार्ट कर रहे हैं, ठीक, इतना पार्ट कर रहे हैं, इतने सेक्शन पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, यहां पर प्लेट के बॉटम पे वेलोसिटी जीरो होती है, यानी कि प्लेट के बॉटम यानी कि पॉइंट वन पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो ये हो गया आपका जीरो, यू वन हो गया जीरो, यू टू पे कितनी वेलोसिटी, यहां पर ये पॉइंट टू है जहां पे क्रॉस मारा हुआ टू लिखा हुआ है, यहां पे कितनी वेलोसिटी है, अगर ऊपर v वेलोसिटी पे है तो नीचे भी सेम वेलोसिटी से चलेगा, तो दिस इज v, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा du क्या मतलब होता है, तो v माइनस जीरो इज v, क्लियर हो गया, ओके अब dy क्या है, जरा देखिए dy क्या है, y2 माइनस y1, अब आपको मालूम है कि पॉइंट वन ये है बॉटम पे प्लेट के, और प्लेट नहीं है एक्चुअली हॉरिजॉन्टल सरफेस है, प्लेट ये है, पॉइंट टू कहां पर है, आपकी टॉप सरफेस, ठीक है पॉइंट टू, तो बॉटम पे यानी कि पॉइंट वन पे हमारा डिस्टेंस कितना है, जीरो, यहां पर तो जीरो ही होगा ना, आपका डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता है ना, यहां पर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा, ठीक है, तो यहां पर आपका डिस्टेंस जीरो होगा, और यहां पर आपका डिस्टेंस कितना होगा, ये दिया हुआ है, दिस इज एच बाई टू, तो देयरफॉर दिस इज एच बाई टू माइनस जीरो, दिस इज योर डी वाई, तो एच बाई टू, तो डी वाई क्या हो जाएगा आपका एच बाई टू, तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, और ये जो हमने चीज की है ये दिस इज फॉर द लोअर प्लेट, ये जो हमने निकाली है ये जो फोर्स है दिस इज शियर फोर्स ऑन लोअर प्लेट, नीचे की साइड से हमने शियर फोर्स निकाली है, समझ रहे, दिस इज द शियर फोर्स ऑन द, तभी मैं बोल रहा था कि आप सिर्फ इतने रीजन में कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ओके अब हमें निकालना है अपर साइड से
समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अगर फ्लो इस साइड है तो आपका जो शेयर फोर्स है वो भी इसी साइड रहेगा। ये देखिए ये जो नीचे एरो मैंने लगाया ना एकदम सटा के नीचे की साइड से प्लेट के, कहने का मतलब है कि देखो ये है इस साइड मैंने, ये शेयर फोर्स है हमारी ठीक है, और हम सिर्फ कौन से ये आ गया आपका प्लेन सरफेस, तो हम इसी रीजन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ये है अपना पॉइंट वन, ये है पॉइंट टू, बस ऐसे ही कर रहे हैं। अब फिलहाल अब हम इसके ऊपर साइड पे आ जाते हैं ठीक है, इसके ऊपर साइड में आ जाते हैं। अब ये पतली सी प्लेट ये है, अब यहां पे कॉन्सेंट्रेट कर ठीक है, ये आ गया आपका ये। अब इसके टॉप सरफेस पे शेयर फोर्स क्या होगी, डिस्टेंस कितना है h बाई टू, आई थिंक बाबा आपको क्लियर हो गया। तो मेरे को अभी शेयर फोर्स अपर प्लेट पे लगानी है, क्लियर हो गया। सो देयरफॉर प्लस फॉर्मूला यही रहेगा मेरा, क्लियर हो गया। फिलहाल ये जनरल फॉर्मूला है तो इसलिए मैं जनरल फॉर्मूला लिखूंगा इसको, म्यू वन तो वही रहने वाला है, ए वही रहने वाला है। फिलहाल ये जो मैं लगा रहा हूं ना, दिस इज द शेयर फोर्स ऑन अपर प्लेट, कहां पे अपर प्लेट, तो म्यू वन इंटू ए। अब देखिए वेलोसिटी कहां पे लग रही है, समझ रहे हो, वही वही चीज है, क्योंकि प्लेट आपकी सेंटर में रखी तो यहां का डिस्टेंस भी h बाय टू है। इस बार जो डिस्टेंस रहेगा आपका क्या रहेगा, यहां से दिस इज योर वन, दिस इज योर टू। तो अगर आप देखेंगे du, पहले मैं du लिख लेता हूं, du by dy, तो du क्या है, du2 minus u1, आपका u2 क्या है, u2 यहां पर वेलोसिटी कितनी है v, लिखा हुआ मैंने v, minus u1 यहां पर वेलोसिटी कितनी है जीरो, तो यहां पर जीरो ही रहेगी, तो ये क्या आएगा आपका v आएगा। सेम केस यहां पर डिस्टेंस कितना है, यानी कि y, पहले y2 देख लेते हैं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये h बाई टू है तो इसलिए h बाई टू लिखा है। y1 y1 यहां पर डिस्टेंस कितना है, यहां से तो आप 0 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहे हैं ना नीचे, ये मेरा बोले h बाई टू माइनस जीरो, तो y2 क्या है h बाई टू, और y1 क्या है आपका जीरो ही होगा, तो देयरफॉर यहां पर भी सेम ही आएगा v बाय h बाय टू। तो इसमें आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गया ये ओके। तो ये है शेयर फोर्स ऑन अपर प्लेट, ये है शेयर फोर्स ऑन लोअर प्लेट। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं फटाफट। सो देयरफॉर एफ वन इक्वल टू, अब आपको मालूम है इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, म्यू वन ए वन वी, क्लियर हो गया ओके। तो दिस इज आई एम टेकिंग कॉमन यू वन ए वन वी, यहां पर क्या रह जाता है ओके, वी भी निकल गया, अब ये एच बाई टू है तो ये पलट जाएगा, तो दिस विल कम टू बाई एच प्लस टू बाई एच, यहां पर भी सारी चीजें निकल गई कॉमन, तो दिस इज एफ वन इक्वल टू म्यू वन इंटू ए इंटू वी, दिस इज एच, सेम एलसीएम ही आएगा, तो आपको मालूम एलसीएम क्या आएगा, एच को एच से डिवाइड किया वन ऊपर टू आया, प्लस इसको इससे डिवाइड किया वन आया ऊपर मल्टीप्लाई किया टू, तो देयरफॉर एफ वन इक्वल टू म्यू वन ए इंटू वी बाय फोर बाय एच। लेट मी चेक वेदर आई एम गेटिंग द सेम, यस इट इज सेम। तो हमारे को जो फोर्स मिली है केस वन पे जो एक्ट कर रही, दिस इज दिस, ये एच है याद रखिएगा, ये एच, क्लियर हो गया। तो फिलहाल मैं इसको मैं यहां लिख लेता हूं, दिस इज फॉर केस वन इक्वल टू म्यू वन ए वी इंटू फोर बाय एच, तो दिस इज द केस दैट वी हैव टू गॉट। तो हमें भी यहां पर भी करना है, सेम ही करना है, पहले हमें लोअर प्लेट पे शेयर फोर्स निकालनी है, फिर अपर प्लेट पे शेयर फोर्स निकालनी है, दोनों को प्लस करना है, तो दैट विल बी द टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन केस टू। अब हम केस टू के बारे में आते हैं, इसको फिलहाल मिटा दो, केस वन तो हमारा हो गया। अब देखिए जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी वापस इसमें समझ सकते हैं, आपका फॉर्मूला सेम ही, टाउ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ठीक। अब आपको मालूम है टाउ क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई, क्लियर हो गया ये ओके। अब टाउ को हम लिख सकते हैं क्योंकि हम केस टू की बात कर रहे हैं, तो दिस विल बी केस टू, एरिया सेम है दोनों में, इसलिए ए टू नहीं लिख रहा हूं ठीक है। अब ये विस्कोसिटी भी दी हुई है, यहां की विस्कोसिटी म्यू टू है, इधर भी विस्कोसिटी म्यू टू, क्योंकि ऑयल तो पूरी जगह, दिस इज म्यू टू, आता है डी यू बाई डी वाई। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं क्या लिखने की, पहले लोअर प्लेट के लिए ये लिखेंगे, फिर अपर प्लेट के लिए लिखेंगे। तो लोअर प्लेट वाला हिस्सा ये है, देखिए यहां पर ध्यान से वापस देखिए,
ठीक है, ये पतली सी प्लेट है, ठीक, और ये आपका प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो अब अगर हम लोअर प्लेट की बात करेंगे तो ये ट्रैवल कर रहा है वेलोसिटी वी से, ये वाला हिस्सा टू कहलाता है, ये वाला हिस्सा वन कहलाता है। अगर मैं डी यू लिखूंगा तो दिस इज यू टू माइनस यू वन। अब आप देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना है, दिस इज दे हैव गिवन 3h बाय 4, क्लियर हो गया, ओके। तो देखिए u2 यानी कि पॉइंट टू पे क्या वेलोसिटी, पॉइंट टू पे क्या वेलोसिटी है v, पॉइंट वन पे क्या वेलोसिटी, बॉटम पे आपको मालूम है वेलोसिटी जीरो होती है, तो देयरफॉर दिस इज v, ओके। देन dy y2 माइनस y1, ओके। टू पे क्या डिस्टेंस है, टू पे तो हम डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना है 3h by 4, ओके। अब y1, y1 क्या है, y1 क्या है, आपका एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी प्लेन सरफेस को अटैच है, तो यहां पर डिस्टेंस तो जीरो होगा क्योंकि डिस्टेंस यहीं से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4, तो दिस इज 0, अगेन ये आ जाएगा 3h by 4, कोई कंफ्यूजन? तो फिलहाल मैं लिखूंगा f2, अब ये जो एरिया है फिलहाल मैं यहां ले लेता हूं, क्लियर हो गया, ये एक जनरल फॉर्मूला था, अब इसको देखते हुए हम लिख रहे हैं दिस इज ए इंटू म्यू टू, तो डी यू क्या आएगा अपना, डी यू इज वी एंड दिस इज डी वाई, डी वाई इज नथिंग बट 3h बाय 4। अगर आप देखेंगे ये जो हमने निकाला है दिस इज शेयर फोर्स ऑन लोअर प्लेट, समझ गए, अभी हमें शेयर फोर्स ऑन अपर प्लेट निकालनी है, सेम जैसा आपने नीचे के लिए किया वैसा ही ऊपर के लिए किया, क्लियर है? वापिस करता हूं, यही वही वो प्लेट है पतली सी, अब प्लेन सरफेस आपका यहां पर आ जाएगा, फिर क्लियर, ओके। ये पॉइंट है आपका टू, और यहां पर जो एक मिनट, ये वेलोसिटी कितनी वी, यहां पर पॉइंट है आपका टू, इधर है पॉइंट वन, क्लियर हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है आपका एच बाय फोर, एच बाय फोर ये, ठीक, और यहां पे क्या बचा भरा हुआ बीच में ऑयल, तो इसका du क्या रहेगा, du इज नथिंग बट u2 माइनस u1, आपको मालूम है u1 u2 पे देख लेते हैं, u2 पॉइंट मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट 2, तो 2 पे वेलोसिटी क्या है v, माइनस 1 पे क्या वेलोसिटी है 0, क्योंकि बॉटम यानी कि जब भी कोई फ्लूइड जो टच करता है एसोसिएट होता है आपकी प्लेन सरफेस पे तो वहां पे वेलोसिटी 0 होती है, देयरफॉर दिस इज v, एंड वही हम dy लिखेंगे y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारा पॉइंट टू पे डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, दिस इज h बाय 4 माइनस y1, पॉइंट वन पे क्या डिस्टेंस है, मतलब यहां पर तो कोई डिस्टेंस नहीं है क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4, तो दिस इज 0, तो ये आ जाएगा h बाय 4, तो ये लिखना बहुत आसान हो जाएगा अभी, दिस इज अगेन ए सेम फॉर्मूला यूज करते हुए ये एरिया को यहां ले लिया जाए, समझ रहे, काम करता हूं ये जो एरिया है मैं पहले ही ले लेता हूं, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं एरिया क्यों लिख रहा हूं बाद में, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, दिस इज म्यू टू अगेन वी अपॉन ये 3h बाय 4, इस बार आया तो इस बार क्या आएगा हमारा h बाय 4, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये फिलहाल इसे मिटा देता हूं, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो देयरफॉर f2 इज इक्वल टू, अब देखिए पहले कॉमन निकाल a म्यू टू v कॉमन निकाल देता हूं, ठीक है a म्यू टू v, अब क्या रह गया इधर, अब ये पलट के उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे h नीचे आ जाएगा, तो दिस इज 4 अपॉन 3h प्लस ये म्यू टू a म्यू टू v बाहर निकल गए तो 4 बाय h हो जाएगा, पलट जाएगा दिस इज दिस, ओके। अब इसमें क्या और कॉमन है, अगर आप देखेंगे तो 4 भी कॉमन है और h भी कॉमन है, वो भी निकालते a म्यू टू v, 4 भी कॉमन निकाल दिया h भी कॉमन निकाल दिया, इधर रह गया 1 बाय 3 प्लस 1, कोई कंफ्यूजन? ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, फिलहाल मैं f2 a म्यू टू v 4 अपॉन h, ओके एलसीएम निकालता हूं, इसका आएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 ऊपर मल्टीप्लाई किया 3, 3 को 1 से डिवाइड किया, सॉरी वापस देखेंगे, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 ऊपर मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 आएगा, तो दिस इज योर फोर्स इज f2 इक्वल टू a म्यू टू वी फोर अपॉन एच इन टू दिस इज 1 प्लस 3 इज अगेन 4 अपॉन 3, तो दिस इज योर फोर्स, आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, फिलहाल मैं इस पूरी
चीजों को मिटा देता हूं, क्लियर हो गया. ओके, सो दिस इज योर F1 एंड F2, और वहां पर दिया हुआ था कि F1 एंड F2 जो दोनों केस हैं इसमें लगने वाला जो फोर्स है सेम वेलोसिटी के लिए फोर्स सेम रहने वाली है, समझ रहे. तो F1 यहां पे हम इक्वेट करते हैं U1 A V4, हम क्या करें सिंपली वैल्यू पुट करें, वन की जगह पे F1 की फोर्स पुट कर रहे हैं, ए वी फोर बाय एच इक्वल टू F2 कितना है आपका A, दिस इज म्यू टू V4 अपॉन H, क्लियर हो गया. ओके, दिस इज H इंटू फोर बाय थ्री. तो अब जो कॉमन कॉमन है हम कैंसिल कर देते हैं, क्लियर. लेट मी चेक. So HH get cancel, area get cancel, then V get cancel, then 4 get cancel. अब क्या बचता है म्यू वन नहीं कर सकता, यहां पे तो सब चीजें कट गई, तो दिस इज म्यू वन. ओके, यहां पर म्यू टू रह गया है इंटू फोर बाय थ्री रह गया है. आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा. तो आपका रिलेशन आ गया है म्यू वन और म्यू टू के हिसाब से दिस इज फोर बाय थ्री. आप ये भी रिलेशन लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको म्यू टू की वैल्यू चाहिए तो आप क्या कीजिए, इसको इधर रहने दीजिए, थ्री को म्यू वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई और ये फोर को नीचे डाल दीजिए. दिस इज योर रिलेशन. तो कोई भी तीन रिलेशन हो सकते हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंस इट वाज अ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन फॉर एटलीस्ट 10 मार्क्स के लिए था ये, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ. ज्यादातर आपको डॉक्टर आर के बंसल की बुक में नहीं मिलने वाला ये. तो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद जय भारत एंड स्टे ट्यून विद माई चैनल, ताकि मैं ऐसे ही अपडेट्स यानी कि कोई भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपके सामने लेके आता रहूंगा हर दिन हर पल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. सॉम पे भी मैं इमिडिएटली जल्दी आ रहा हूँ, डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे को लगातार मतलब कमेंट्स आते हैं. अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है सिविल मैकेनिकल एंड योर केमिकल, तो प्लीज write down your comment with your problem. I'll definitely try to solve. Thank you very much.